दूसरे कारण में चर्चा की है जलंधर की। जलंधर की पत्नी है वृंदा और वृंदा इतनी पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, भगवान की भक्त हैं, वृंदा के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जलंधर की मृत्यु नहीं होती। देवताओं ने जब आग्रह किया, भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश बनाया। इधर जलंधर युद्ध के लिए गया और भगवान जलंधर के महल में पहुंचे। वृंदा ने कहा था, स्वामी आप जब तक नहीं आते मैं पूजन में बैठी हूं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। पर जैसे ही भगवान को देखा, वृंदा को लगा मेरे स्वामी आ गए, पूजा छोड़ दी। और पूजा से उठते ही जलंधर का कटा हुआ सर भगवान और वृंदा के बीच में आकर गिरा। बोल पड़ी, कौन है आप? आज भगवान संकोचवश अपने स्वरूप में आ गए। क्यों? क्योंकि आज मुझे मेरे भक्त को छलना पड़ा है। सर झुकाकर ठाकुर जी खड़े हो गए। वृंदा ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने आपको भगवान मानकर आपकी पूजा की, आपने मेरे साथ ही छल किया। श्राप देती हूँ, जाइए, जड़वत कार्य किया है ना, तो जाइए पत्थर के हो जाइए। ठाकुर जी पत्थर के बन गए। वो जो शालिग्राम भगवान का पूजन हम करते हैं, ये वृंदा जी के श्राप से हुआ था। हाहाकार मचा, लक्ष्मी मैया देवता आए, क्षमा करिए, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, भगवान को पूर्व रूप में कर दीजिए। भगवान को तो पूर्व रूप में कर दिया वृंदा जी ने, पर स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। भस्म करने से पहले भगवान को श्राप दिया है, मेरे पति को आपने मुझसे दूर किया है ना, एक दिन मेरा यही पति आपकी भार्या को आपसे दूर कर देगा। वृंदा जी के तन की जो राख बनी, उसी राख से तुलसी मैया का बिरवा निकला है। भगवान ने उस दिन कहा कि आज के बाद तुलसी जी का और शालिग्राम भगवान का उसी दिन से हम विवाह कराते हैं, दिवाली के समय जो एकादशी पड़ती है, उस दिन विवाह होता है तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का। और ठाकुर जी ने उसी दिन कहा था कि आज से मुझे चाहे 56 भोग भी क्यों ना चढ़े, पर जब तक उसमें तुलसी जी का एक पत्ता एक दल नहीं डलेगा, मैं उस भोग को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक तुलसी दल ना पड़े, तब तक ठाकुर जी आपके भोग को स्वीकार नहीं करते हैं।